हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। अभी एसएससी सीएचएसएल की जो एग्ज़ाम हुई है थोड़ी देर पहले, उसके जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं दोस्तों, मैं उसका जो है यहाँ पर सोल्यूशन कराऊँगा। ओके, तो फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पर किस शिफ्ट की वो बात हो रही है, फर्स्ट शिफ्ट की। ओके, तो इस शिफ्ट में अगर आप गए थे तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन है। और अगर आपकी जो है अभी एग्ज़ाम नहीं गई है तो आप एग्ज़ाम के पेपर के जो है क्वेश्चन देख सकते हैं कि एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर IPL 2021 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन है? दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द विनर ऑफ द ऑरेंज कैप इन IPL 2021। तो आपको याद रखना होगा, ऑरेंज कैप जो है ऋतुराज गायकवाड़ CSK से खेले थे, उसको मिला था दोस्तों। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि पर्पल कैप, अब पर्पल कैप जो है दोस्तों वो हर्षल पटेल को दिया गया था, जो कि RCB की ओर से खेला था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो है बेहतरीन साबित होगा। और आपको याद रखना होगा ऋतुराज गायकवाड़ किसके लिए, ऑरेंज कैप के लिए। नेक्स्ट, बैक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर के लिए जो ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये हुई थी कि यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं दिया गया था। मान लो कि आपसे ऐसा नहीं पूछा गया था कि 2021 में किसको दिया गया या फिर 2022 में किसको दिया गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं मिला था। तो आपको याद रखना होगा, अगर 2021 के लिए पूछा गया था तो आपको पैट्रिक मोहम्स जो अमेरिका से खेले थे उसको दिया गया था। 2022 में एम्मा राडुचानू जो कि ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है, और 2022 तो आपको पता ही है कि हमारे नीरज चोपड़ा ने बाजी मार ली थी। नीरज चोपड़ा नॉमिनी फॉर 2022 अवार्ड। ओके, तो ये अवार्ड आपके कुछ इस बारे में थे। फिर आपके क्वेश्चन आ गए थे तीन, आपका जो दो क्वेश्चन थे वो ऑटोबायोग्राफी से पूछे गए थे। कितने दो क्वेश्चन थे, यानी कि बुक्स और बुक्स के ओनर। ओके, तो हमने ऐसा प्लान किया है कि बुक्स और उसके ओनर जो है उस पर हम एक ऑलरेडी बहुत अच्छी जो है वीडियो आज क्रिएट करेंगे और अपलोड करेंगे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन तो फंसेंगे ही। ओके, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज 2021 विनर्स। तो दोस्तों, 2021 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, एक ऐसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि लिटरेचर की ओर से देखा जाए तो अब्दुल रजाक गुरना जो थे उसको दिया गया था लिटरेचर में। पिच की बात करें तो डेमेट्री मुरातो को दिया गया था। और साथ ही में यहाँ पर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्लाउस हसिलमान और जॉर्जियो पेरिसिसी को दिया गया था। मेडिसिन की ओर से बात करें तो आर्डिम पोइट्रिशन को और डेविड जुलिसी को दिया गया था। और साथ ही में केमिस्ट्री की बात करें तो डेविड मैकमिलन को दिया गया था। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्लिस्ट को दिया गया था। तो दोस्तों, ये नोबेल प्राइज 2021 के विनर्स थे। ओके, नेक्स्ट, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोबायोग्राफी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ताना रीरी आपका म्यूजिक से जुड़े हुए थे, और वो तबला बजाने वाला कोई क्या नाम था, जाकिर हुसैन सर, तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ऐसे दो क्वेश्चन फंस गए थे यहाँ से। और ये देखिए डांस और फेस्टिवल, यानी कि SSC अगर आपको क्लियर करके जानी है दोस्तों इस साल, तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए, आपको सभी चीज़ें आनी चाहिए। वो चाहे ऑटोबायोग्राफी आपकी पूछ ले, ओके, ऑटोबायोग्राफी पूछ ले आपसे, आपसे डांस पूछ ले कि ये डांस कहाँ का है, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, वो पूछ ले, चाहे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक से क्वेश्चन फंस जाए, तो सभी के सभी आपको जो है आना चाहिए, तब जाकर आपकी SSC जो है इस साल ख़त्म हो सकती है आपसे एनीवे नॉट सक्सेसफुल। ओके, तो ये सब कुछ आपको करना होगा। और मेरी बात सुनिए, आज मैं एक वीडियो ऐसा क्रिएट करूँगा कि जिसमें आपको ऑटोबायोग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिले। फेस्टिवल के एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा और म्यूजिक का भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिले। ओके, फिर आ गया आपका बायोलॉजी।
अब दोस्तों बायोलॉजी से तो दो तीन क्वेश्चन फंसे थे आज, दो या तीन क्वेश्चन आ चुके थे यहाँ से। अब बायोग्राफी में क्या है कि साइंस वाले होते हैं वो तो कर देते हैं, लेकिन हमारे जो कॉमर्स आर्ट्स वाले होते हैं उसे यहाँ से थोड़ी सी जो है तकलीफ होती है। डाइजेस्ट के बारे में पूछा गया होगा, बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया होगा, ओके। लेकिन अगर आप जीके और जीएस की हमारी क्लास भरते डेली तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारे वहाँ जनरल बैच होती है और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के साथ साथ बायोलॉजी इकोनॉमिक्स और सारे जो है आपकी क्लियर हो जाती है। तो अगर 9 बजे आपका पास थोड़ा सा भी टाइम है, 9 बजे ओके, तो मेरी डेली लाइव क्लास होती है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। ओके दोस्तों, तो आज के जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे उतने मैंने सॉल्व करवा दिए यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।